देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज़। आज से एक वर्ष पूर्व गत राम नवमी पर इंदौर में सपना संगीता क्षेत्र के पटेल नगर में बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में एक बावड़ी हादसे में 36 लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। बावड़ी पर अनाधिकृत रूप से बनाई गई छत के कारण उक्त हादसा हुआ था, क्योंकि छत ढहने से 65 से अधिक लोग बावड़ी के अंदर गिर पड़े थे। हादसे में 36 लोगों की जान चली गई थी। उक्त मामले में इंदौर के जागरूक वकील एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी एवं समाजसेवी महेश गर्ग ने न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसके बाद हादसे में निर्माण से संबंधित मंदिर समिति के 2 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, किंतु इसके जवाबदार अधिकारियों का बाल भी बांका नहीं हुआ। बावड़ी हादसे के एक वर्ष बाद प्रदेश कांग्रेस के एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने गुरुवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में मीडिया से चर्चा करते हुए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार इंदौर के महापौर और जिला प्रशासन को कटघरे में खड़े करते हुए अनेक सवाल किए। श्री द्विवेदी ने कहा कि उच्च न्यायालय आदेश में मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट आधार पर कार्यवाही करने का भी उल्लेख है। बताया जाए कि इस आधार पर क्या क्या कार्यवाही हुई। हादसे के बाद में दोषी अधिकारियों को तो बचा लिया गया, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से मंदिर को जवाबदारी बताते हुए मंदिर ही ढहा दिया गया। तो क्या यह हादसे के लिए मंदिर में विराजित भगवान दोषी थे, जबकि हादसे के जवाबदार अधिकारी पदोन्नति तक पा गए। शहर में कुओं और बावड़ियों के रखरखाव एवं मेंटेनेंस को लेकर कोर्ट के आदेश का अब तक पालन नहीं हुआ। अभी भी शहर में अनेक कुएं और बावड़ी नगर निगम और प्रशासन की अनदेखी के चलते गंदगी से भरे पड़े हैं। आज 1 साल बाद भी स्थिति जस की तस है। नैतिकता उस शहर में जिसकी पहचान अहिल्याबाई होलकर की न्याय दृष्टांत से है, उस शहर के महापौर प्रतिनिधिगण से है। क्या मृतकों के परिजनों के आंसुओं से कलेजा नहीं फटा? क्या गमजदा शहर आपको नहीं दिखा? क्या हादसे का गुनाहगार मंदिर ही था? इसका जवाब दो। वर्ष पूर्व रामनवमी पर इंदौर में बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर पर बनी बावड़ी एक का हादसा हुआ था, जिसमें 36 लोगों की जान चली गई थी। क्या कहना चाहिए? आज 1 साल 1 दिन हो गए हैं। जब भी यह हादसा लोगों के जहन में आता है, आंखें भीग जाती हैं। अपनों को जिन्होंने खोया है, या शहर के वे लोग जो सबको अपना मानते हैं, इंसानियत से रिश्ता रखते हैं, उनकी आंखों में आंसू आते हैं। इस हादसे के बाद मैंने तथा पूर्व पार्षद महेश गर्ग के द्वारा एक याचिका लगाई थी। याचिका में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किए थे। आदेश के बाद महापौर जी ने आप मीडिया के सामने ही कहा था कि मैं आदेश को पूरा पढ़ूंगा, समीक्षा करूंगा, फिर निर्णय लेंगे कि क्या करना है। महापौर जी अपर महाधिवक्ता जैसे पद पर रहे हैं, प्रतिदिन उनका न्यायालय से साबका पड़ता रहा। क्या अभी तक उन्होंने आदेश को पढ़ करके समीक्षा नहीं की? आदेश में स्पष्ट लिखा है कि जो मजिस्ट्रेट की जांच हुई है, उस जांच के आधार पर कार्रवाई की जाए। सोसाइटी के 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? मैंने तो अखबारों में पढ़ा है कि एक जिम्मेदार अधिकारी को पदोन्नति देते हुए नई पदस्थापना कर दी गई, जबकि वो मजिस्ट्रेट जांच में जो अधिकारी जिम्मेदारी के आधार पर पदस्थ थे, वो लापरवाह ही उनकी सिद्ध हुई, लेकिन किसी को सजा नहीं मिली, न किसी पर कोई कार्रवाई हुई। दूसरा अहम सवाल ये, उसमें ही ये बताया गया कि राजे रजवाड़ों ने जो कुएं बावड़ी बनाए हैं, उन्हें सहेजा जाए, उन पर अतिक्रमण हुआ हो, निर्माण हुआ हो, उसे हटाया जाए और जन भागीदारी के माध्यम से भी सजाया और संवारा जाए। ये तो रचनात्मक आदेश था और कार्रवाई करने का आदेश भी था। महापौर जी से और भाजपा परिषद से पूछना चाहता हूं कि क्या कार्रवाई हुई। तीसरा अहम सवाल,
हादसे के दो या तीन दिन बाद ही वहाँ पर बने हुए मंदिर को नगर निगम ने, जिला प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए तोड़ दिया। तो क्या जिम्मेदार मंदिर था? क्या धार्मिक स्थल तोड़ देने से, मंदिर को तोड़ देने से कार्रवाई पूर्ण हो गई? अगर मंदिर नहीं होता तो क्या हादसा जो हुआ है और मंदिर को तोड़ करके हादसे को दबाने की जो चेष्टा की गई है, क्या यह सही है, उचित है? महापौर जी, भाजपा, मध्य प्रदेश की सरकार सनातन धर्म का बड़ा बड़ी बड़ी बातें करती है। सनातन धर्म में क्या मंदिर तोड़ा जाता है? क्या दोषी मंदिर को माना गया? सवाल ये है। सवाल तो ये भी है कि जो इंदौर की जनता भाजपा के नेताओं को पर विश्वास करते हुए परिषद, विधायक, सांसद, महापौर, ये सारे के सारे जनप्रतिनिधि के पद पर उन्हें बिठाती है, बहुमत से बिठाती है, और जिस क्षेत्र में हादसा हुआ और जिस क्षेत्र के ज़्यादा नागरिक इस हादसे के शिकार हुए, वो एक तरफा वोटिंग भाजपा के पक्ष में करते हैं। क्या उनको ये पुरस्कार है कि लापरवाहियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई अपितु मंदिर तोड़ दिया गया? मैं एक साल एक दिन बाद भावुक दिल से सवाल करना चाहता हूँ जिम्मेदार नेताओं से, भाजपा के नेताओं से, साथ ही साथ भाजपा में अभी हाल ही में गए कुछ हमारे मित्रों से, कि क्या सनातन धर्म में मंदिर तोड़ा जाना उचित है? क्या उनकी धार्मिक आस्थाएं अब आहत नहीं हुई? दुपट्टा भाजपा का डालने के बाद क्या वो कोल्लू के बेल की मानसिकता लेकर बैठ गए? मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।